देश व प्रदेश के साथ पानीपत में भी आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने किसानों व कर्मचारियों के साथ पानीपत के रेलवे स्टेशन पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान सर्व कर्मचारी संघ ने भी किसानों का समर्थन किया और धरने पर मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं ने कहा कि सरकार लगातार किसानों को बर्बाद करने पर जुटी है और पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है। किसान नेताओं ने नाराजगी जताते हुए कहा कि निजीकरण को बढ़ावा देने से आम आदमी के साथ साथ कर्मचारी वर्ग भी परेशान होगा और वह पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाएगा। सभी ने सरकार से अपील की कि सरकार अपना फैसला बदले और निजीकरण ना करे। ऐसा है, ये जो संयुक्त मोर्चे की काल थी, इसमें किसान, मजदूर और कर्मचारी तीनों साथ हैं। इसमें संयुक्त मोर्चे में जो आह्वान ये इसके लिए है, जो कर्मचारियों को निजीकरण का जो तोहफा दिया जा रहा है उसके विरोध में ये आंदोलन है और आज सांकेतिक धरना है ये, क्योंकि इससे किसान आंदोलन से सबको पता था ये कहीं ना कहीं सभी वर्गों को प्रभावित करने वाला है। अब जल्द से जल्द लोगों को सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि सरकार जिस प्रकार से निजीकरण कर रही है वही दो खरीदार हैं देश में और सारी संपत्ति देश की वो बिकती जा रही है। जितने रोजगार हैं, चाहे LIC हो, चाहे भाई आपके इंश्योरेंस कंपनियां हो या फिर बैंक हो, रेलवे हो, हर चीज़ का निजीकरण। निजीकरण किसके हित में होता है सबको पता है भाई, कम वेतन पर और वर्कर से बघार ली जाती है, कम वेतन से बघार लेकर और एक व्यापारी अपना व्यापार बढ़ाता है और प्रॉफिट बढ़ाता है। इससे मैं एक बात आपसे करना चाहूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से बात चल रही है कि दो ही आदमियों को किसान तो संगठित है, आप भी धरने सारे दिल्ली भी जहाँ भी सारी तरह सभी जगह धरने सुचारू रूप से चले हुए हैं। यही बात है, ये नहीं समझ में आती भी 8 से 10 हज़ार रुपये में कर्मचारी काम करेगा अपना परिवार चलाएगा, कहाँ लेके जा रहे हो? अगर सरकार का काम जनता की सेवा करना भी होता है, उसको सुविधा मुहैया भी कराना होता है, अगर आप इसको कल आप प्राइवेट में चले जाओ, प्राइवेट में चलो थोड़ी सुविधा ज़्यादा होंगी, हेल्थ में आप ले लो, हॉस्पिटल में कौन है जो आम आदमी उसका खर्चा उठाने के लिए तैयार होगा या उठा सकता हो? एक हेल्थ मिनिस्टर ने जो वैक्सीन ली थी उसने जब तबीयत ख़राब हुई तो उन्होंने भी मैदानता का सहारा लेना पड़ा, उसकी फीस कितनी है? तो आप क्यों ना इसको सरकार को ऐसे इस प्रकार से पूरा बिजनेस कुछ व्यापारी अंडर नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि एकदम से अगर व्यापारी हाथ खींच लेगा तो पब्लिक कहाँ जाएगी? और सरकार एकदम से इस प्रकार का ढांचा जो 70 साल में खड़ा था, तैयार हुआ था, वो एकदम से ना तो दोबारा तैयार होगा और ना बड़ा डर है, इस बात डर है, दिख दी बात है ये तो। पर सरकार खुद सार्वजनिक रूप से कह रही है, कोई भरम नहीं फैल रहा, सरकार खुद कह रही है हम अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रहे हैं, प्राइवेट करने जा रहे हैं, रेलवे को प्राइवेट करने जा रहे हैं। आप मानो तो एक प्रकार से पटड़ियां इसकी होंगी, सब स्ट्रक्चर सरकार का होगा और प्रॉफिट एक आदमी का होगा। अगर मान ले ये सबसे बड़ा उपक्रम है, एशिया सबसे बड़ा रोजगार देने वाला विभाग है, अगर आप उसको निजीकरण कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उतने जो रोजगार था, जिनका 2 करोड़ लोगों का रोजगार था, उनके रोजगार पे और उनके जो संपत्ति पे या जो बच्चों की शिक्षा पे सब पे प्रभाव पड़ेगा। सरकार का कार्य है सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता, प्रॉफिट के लिए काम करो। आप सरकार कर रही है भाई, राजकीय विकास, राजकीय कोष घाटा है, उसको कम कैसे किया जाए भाई? अब आप अगर सरकार ले तो अब की बार है, बिजली डिपार्टमेंट ने 250 करोड़ रुपया प्रॉफिट भी दिया है। अगर सरकार नीतियाँ ठीक हों और सरकार के मंत्री ठीक हों और कर्मचारी साथ में साथ हों तो सरकार भी प्रॉफिट ले सकती है। ऐसी कोई बात नहीं कि निजीकरण इसका वो विकल्प होगा। मैं मदन रावल ASP सिरुकुन पानीपत से बिजली बोर्ड का सर्कल सेक्रेटरी हूँ और आज जो हिंदुस्तान के अंदर ये भाजपा की सरकार कृषि कानून के रूप में 3 काले कानून जो इन्होंने पेश किए हैं उसके विरोध में पूरे भारत के अंदर आज हर रेलवे स्टेशन पर जो प्रदर्शन हो रहा है, हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं, क्योंकि ये काले कानून खाली एक किसान के ऊपर लागू नहीं होते, ये पूरे पूरे जो आम जनजीवन है, चाहे पशु से लेकर इंसान तक, किसान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और जब किसान ही देश में नहीं रहेगा, किसान की फसल है, किसान की ज़मीन, एक एक इंच पे पूंजीपति का वर्ग का कब्जा हो जाएगा तो आम जनता क्या लोगा? इसलिए इसमें मेरा का हमारा कहना ये है कि सरकार ने बहुत जल्दी ये 3 काले कानून वापस लेके, और अगर सरकार इसको लागू भी करना चाहती है तो इसको निरस्त करके और दोबारा से जो है संयुक्त मोर्चा, किसान मोर्चा है, इसकी पूरी की एक मीटिंग लेनी चाहिए, आम जन में बात पहुंचानी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि ये जो काले कानून थोपे गए हैं किसान ने मांगे नहीं थे।
ये जबरदस्ती सरकार पूंजीपति को फायदा पहुंचाने के लिए प्रदेश देश के अंदर प्रदेश के अंदर लागू। आपको लगता नहीं कि समर्थन आम आदमी का घटता जा रहा है, आपकी संख्या घटती जा रही है धरने पे देखते हो आप? नहीं, ऐसा नहीं है, ये समर्थन घट नहीं रहा। जहाँ ये आज से कुछ दिन पहले तक बॉर्डर के ऊपर आम जनता किसान मजदूर आंदोलन कर रहे थे, आज पूरे देश के अंदर पंचायतों के माध्यम से हम इसका पुरजोर प्रचार कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि आने वाले समय में 5 राज्यों के अंदर चुनाव है, बीजेपी सरकार ने इसमें मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि किसान जो किसान ग्रुप था 40 की कमेटी थी वो पूरे पश्चिम बंगाल में तमिलनाडु में हर जगह जा रही है और इसका पुरजोर विरोध हो रहा है। यानी कि राजनीति करने लगी वो कमेटी? नहीं, राजनीति नहीं है ये राजनीति नहीं है, ये सिर्फ अपने बचाव के लिए राजनीति है। अगर सरकार इसको राजनीति मानती है तो हम इसे ये भी नहीं कहेंगे राजनीति नहीं है, क्योंकि जो भी आदमी इस दुनिया के अंदर आता है उसने अपने बचाव में राजनीति करनी चाहिए। मैं मदनलाल सर्कल सेक्टर पानी। आज सारी ट्रेड यूनियनें जितनी हैं आज उन्होंने हड़ताल की है और उस हड़ताल का समर्थन करते हुए आज किसान और मजदूर जो हर ट्रेड यूनियन के हैं, मजदूर जो यहाँ फैक्ट्रियों में उनमें से भी आए हुए हैं, उनके नेतागण आए हैं और इनका समर्थन करते हुए हम आज हड़ताल पर आए हैं यहाँ। और मोदी सरकार के खिलाफ जो हर महकमे को बेच रहा है, उन्होंने आगे ऐलान कर दिया जो पीछे बेच दिए सो बेच, 100 महकमे और बेच रहा हूँ मैं अगले का, नहीं अखबार में दे दी चल उसने, तो हम उसके विरोध में किसान संयुक्त मोर्चा जो हड़ताल में बैठा है उसके समर्थन में यहाँ आए हैं सारे, और उसका समर्थन करते हुए हम इस हड़ताल को आगे बढ़ा रहे हैं और सब संगठन सारा देश ही लग रहा है इस लाइन पे। आप रेलवे स्टेशन का परिसर क्यों चुना आपने इसके लिए? इसके लिए सरकार, ये सेंट्रल सरकार की संपत्ति है, हम सेंटर इसके द्वारा हम सेंट्रल सरकार में पहुँचाना चाहते हैं हम यह बात, हम वहाँ बैठे हैं वो तो हरियाणा सरकार की है, ये सेंट्रल सरकार की संपत्ति है और सेंट्रल सरकार के अंडर है, और सेंट्रल सरकार तक हम यह बात पहुँचाना चाहते हैं, और चाहे रेल मंत्री हो, रेल मंत्री के द्वारा मोदी जी के पास जाए, चाहे वो किसी और अन्य के द्वारा जाए, हम इस तरह इस वजह से बैठे हैं यहाँ। नाम बताओ। अजी नाम आपका? मेरा है कॉमरेड सेवा सिंह मलिक, उगराखेड़ी। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक